हेलो। हाँ, हेलो। गोविंद भाई से बात हो रही है हमारी। हाँ जी, गोविंद बोल रहा हूँ। नमस्कार हाँ नमस्कार भैया। हाँ, मैं जी। बहुत 3 4 महीने हो गए हमको। हमने आपसे मेरे पापा के लिए दवाई के लिए हमने कांटेक्ट भी किया था, और आपने जो उपाय बताए थे उससे बहुत फायदा भी हुआ। बस माफी चाहती हूँ गोविंद भैया कि मैं आपको कांटेक्ट और नहीं कर पाई। कुछ ऐसे पारिवारिक कुछ ऐसे उलझनों में मैं थोड़ी पड़ गई ना, कि उसके वजह से। और आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। क्या तकलीफ हुई थी पापा को? अच्छा, पापा को वो गिर गए थे, और मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। फिर मैं भागे भागे मैं उड़ीसा गई थी, राउरकेला। फिर आपने जैसे जैसे गाइड आपने मेरे को गाइड किया, वैसे वैसे मैंने वो दवाइयाँ भी बनाई। मैंने आपने मुझे ये भेजा था व्हाट्सएप में, होम्योपैथी दवाई और क्या बोलते हैं वो पाउडर तक कूट करके उसको बनाने के लिए। वो गिर गए थे ना, तो उनका राइट हैंड और राइट लेग में उनका मतलब ये काम नहीं कर रहा था। हाँ, ठीक अब तो वो मतलब मैं क्या बोलूँ। जब मैं गई थी तो पापा बेड से उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपकी दवाइयाँ और आपका वो जो अदरक सौंठ की कुछ आपने बताया था, हाँ जी, हाँ जी। सौंठ लहसुन और उसको बॉईल करने के लिए कुछ पानी में उसको पेस्ट जैसा बन जाता था, हम पापा को वही देते थे। अब वो इतना काम किया ना, क्या मैं बोलूं। मैं मतलब महीने दिन में पापा इस लायक हो गए कि कम से कम वॉकर पकड़ करके अपना सारा काम कर लेते हैं। कितनी उम्र 75+ है पापा। क्या थी? अच्छा दीदी, एक छोटा सा काम कीजिएगा, जो चीज मैंने बोलूं बोलिए। आपको पोस्ट भेजा था वो पोस्ट आप मुझे भेज दीजिएगा। तो अच्छा, एक चीज मैं उससे क्या थोड़ा। होगा, उससे क्या होगा कि हाँ अभी जो आप बात कर रहे हो उसकी मैं रिकॉर्डिंग काट के स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे डाल दूंगा, और जो उपाय आपको भेजा था वो उपाय उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ताकि कोई भाई बंधु अगर कभी दोबारा अगर कभी सुने तो, अगर भाई तो मेरे से बात ना हो तो आपातकालीन परिस्थितियों में अपना इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तो इसका कोई नुकसान तो है नहीं, ना ही ज्यादा खर्चा है। हाँ भैया, मैं एक चीज बोलना चाहती थी। फिर मैं इतना मेरे दिमाग से भी निकल गया, कुछ आपका कुछ शुल्क वगैरह भी कुछ ऐसा है। आपने मैं वो एड्रेस भी पूछना भूल गई। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी ना कि, और मैं भी थोड़ी और कुछ दूसरे परेशानी में रह गई, तो कोई बात नहीं। कुछ। देखिए दीदी, शुल्क के नाम पे तो मेरा यही है कि जो हम ये काम कर रहे हैं इस काम के प्रति जागरूकता बढ़े, यानी साधारण सी जो सरल चिकित्सा पैथी है जिनमें हाँ जी, खर्चा कम होता है उनमें लोगों का विश्वास बढ़े, और विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप जैसे भाई बहन अपना अनुभव ऑडियो या वीडियो के रूप में देंगे। क्योंकि देखिए, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ छला छला जा रहा है, हाँ ये तो सच है। हमें छला जा रहा है। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से लोग प्रचार करके झूठ सच दिखा के लोगों को लूट भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सबको बचा तो नहीं सकते, लेकिन जो हमारा पास है उसका हम प्रचार करके लोगों को जागरूक कर सकें। होने में ये तो आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो ये मैं उदाहरण तो बताता हूँ, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि उदाहरण के तौर पे मान लिया कि आपके पिताजी या मेरे किसी के पास कोई समस्या होती है, और वो सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे भाई बंधु हैं जो इस तरीके का काम करते हैं अलग अलग अपना, तो उनको लेके लोग बंदा कोई फोन करता है तो कहता है ठीक है जी, आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे डालो मैं आपको दवाई बना के भेजता हूँ, ठीक है, और या आप ऐसे करो ऐसे करो, मतलब किसी तरीके से, मतलब उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि मुर्गा आया है पहले फंसा लो। आप यकीन नहीं करेंगे भैया, मेरे को ये जो दवाई बनाने के लिए ना, मेरे को बहुत मतलब मैं अपना अनुभव बता नहीं सकती। बताइए बताइए आप। वो दवाई मैंने कैसे 1 सप्ताह मैंने ढूंढा है। मैं चंडीगढ़ से राउरकेला गई हूँ, उसके बाद वहां मेरे को दो मतलब कि सारे लोग मना कर दिए कि इसको हम पीस नहीं सकते। फिर मैं तो ऑटो में बैठ के रो रही थी कि कैसी परीक्षा है भगवान। फिर मैंने कहीं से हेमदस्ता का जुगाड़ करा। फिर मैं मतलब मैं खाली सिर्फ
मतलब कि मैं आदि शक्ति माता को ही याद कर रही थी कि आप ही शक्ति रूप में है माँ, आप मेरे में वो सामर्थ्य शक्ति डाल दीजिए, मैं कैसे उसको कूटी और मेरे शरीर में क्या दर्द उठा है मैं बता नहीं सकती भैया। वही बात, उस समय के अनुभव मेरे ऐसे है ना, मैं क्या बोलूं, कोई बात नहीं। वो सारे देखिए ऐसा है, 9 माह के गर्भ के दौरान और प्रसव के दौरान जो दर्द होता है वो सारा दर्द इंसान तब भूल जाता है जब बच्चा गोद में आता है। और उसी तरीके से जब बच्चे का पालन पोषण होता है तो शुरू के महीने में बाप तो कमाने चला जाता है, माँ बच्चे को गोद में लेके खाना भी उसी से खाएगी, पकड़ के कपड़े भी उसी को पकड़ के धोएगी, मतलब जिस तरीके से जो मेहनत होती है, जो मेहनत लगता है, उस मेहनत की कल्पना नहीं कर सकते, उसका कोई बयान नहीं कर सकता। और लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बोलता है माँ, और जब उस सेवा का मतलब जो भी होता है, तो उसका जो सुकून, मतलब फल तो मेहनत के बाद ही मिलता है, कहने का मतलब मेहनत और दर्द के बाद ही फल मिलता है। वो मेरे को वो जो आपने वो बताया था ना, अधिसार और क्या चीनी चौप क्या और थे, हाँ चौप वो कूटने में थोड़ा बहुत मुसीबत होती है, वो कूटा नहीं जाता। मैंने मैंने कैसे उसे कूटा है पीटा है वो मुझे 3 दिन लगे मुझे। हाँ, अंबा हल्दी, अंबा हल्दी जो है और ये चोप चीनी है, ये बहुत सख्त होती है, इसको कूटना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो अगर उस टाइम पे आप फोन कर लेते तो मैं आपको बता देता कि जैसे मतलब ऐसे अगर कभी आगे कभी हो तो चोप चीनी जितना कूटा जाए उतना ही कूटे, और उसको जैसे एक चम्मच पानी, एक चम्मच को एक गिलास पानी में रात भर 12 घंटे भिगो दे, और उसके बाद उसको उबाल लें और उस बचे हुए जो सॉलिड पार्ट है उसमें दोबारा पानी रख दे। अच्छा, हाँ तो उस अभी तो मैं तो अभी अब तो पापा तो उड़ीसा में हैं और मैं तो चंडीगढ़ आ गई हूँ, मुझे 2 महीने हो गए हैं, पर आपने जैसे बताया मैं उसमें और कुछ ज्यादा अपना दिमाग लगा ही नहीं, मैं सोची कि बस आपने बता दिया ये भगवान का मुझे बस एक दवाई मिल के रास्ता मिल गया है। मैं उसे 2 दिन ढूंढी हूँ, 1 सप्ताह मुझे लगा बारी बारी से एक एक मतलब जड़ी बूटी। कुछ चीजें होती है जो थोड़ा सा तो अगर उस पर बोल भी देती ना कि नहीं मिल रहा है या कुछ, तो होता क्या है, हमने जैसे होता है कि हमें लड़ाई लड़नी है तो हमारे जब भी लड़ाई समझ नहीं आया भैया, समझदारी की बात बता रहा हूँ कि जब कभी लड़ाई होती है तो क्या होता है, भारत सरकार जो होता है क्या करता है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना सबको लगा देती है, ठीक है, और बाय द वे अलर्ट कर देती है, और जिसकी ठीक है अभी बाद में पहुंचेगा, जब तक तुम ही संभालो मोर्चा, जब वो आएगा वायु सेना वाला आएगा अभी आपकी मदद करने, लगेगा अभी 1/2 घंटा 2 घंटा, ऐसा ही होता है ना। तो जो जो चीजें उपलब्ध थी उसका शुरू करते, जो जैसे मिल जाता फिर उसको साथ के साथ जोड़ते जाते, ये एक तरीका है। हाँ, ये तो आपने ठीक बोला। अब जैसे हमारे घर में मेहमान आए तो भाई अभी नहीं है, बाजार से बिस्किट लाना है, नाश्ता लाना है, तो कोई बात नहीं, भाई पानी तो सबसे पहले पूछ ही देता है। हाँ, नहीं, ये तो आप सही बात बोल रहे हैं। तो ये भैया मेरा व्हाट्सएप नंबर ना आपसे कनेक्टेड है मेरा। क्या नंबर है व्हाट्सएप आपका? यही यही जो मैं फोन लगाई हूँ ना, इसी नंबर में है। और आप देखेंगे तो आ जाएगा उसमें पूरा। मैं अभी तक भी वो आपने लिखा था 6 महीने तक, मैंने बिल्कुल उनको सावधान उनको करके मैं आई हूँ भैया भाभी को कि ये बिल्कुल जैसा मेडिसिन है इसी तरीके से और ऐसे ही देना है। और वो जो नाक में आपने बोला था बिल्कुल प्योर देसी घी, वही तेल भी पापा को दोनों नाक में मैं बोल के रखी हूँ कि जब बारिश हो तब मत लगाना और जब बादल हो तब मत लगाइएगा, आप डेली लगाते रहिए। और इसमें कोई वहम भरम वाली चीजें नहीं, तो क्या उसमें कुछ इतने दिन से लगा रहे हैं तो चलता रहेगा ना वो जो नाक में? कोई दिक्कत नहीं दीदी, ऐसा है ना ये सारी चीजें हमारी जनरल वो चीजें हैं जैसे इंसान पूरे जीवन कपड़ा पहनता है, है? भाई कुछ पल के लिए ही नंगा होता है। कुछ पल के लिए मतलब स्नान करने के वक्त ही नंगा होता है, बाकी तो पूरी जिंदगी, चाहे आधा अधूरा, गरीब हो अमीर हो, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, अपना कपड़ा डालता है। जैसे 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 सर्दी है तो ज्यादा कपड़े पहन लेता है, गर्मी है तो भाई गंजी गंजी जांगिया में भी काम चला लेता है,
उसी तरीके से ये सारी चीजें हैं, रसोई घर और परंपरागत उपचार जो इतना इतना सरल और साधारण है कि इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैंने देखा मतलब कि वो आपका जो सोठ वाला और लहसुन का आपने बताया था, मैं तुरंत वो सारी चीजें कि उनको मुझे समझ में आ गया था कि आप क्या, क्योंकि मैं भी आपका प्रोग्राम सुनती देखते आ रही हूँ। जी जी, क्योंकि मैं भी आयुर्वेद पर बहुत भरोसा करती हूँ। जी, और ये तो बहुत अच्छा है कि ये शुरुआत हो गया है, आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं। अगर हाँ तो इसका वो नंबर कोई आप मेरे को दीजिए, मतलब जिसमें कि मैं जो भी है आपका फी बनता है मैं भेज दूँ। जी जी, मैंने अगर क्या बोला? आपका फी नहीं, अगर नहीं भी है तब भी खुशी से फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ। हाँ, नहीं व्हाट्सएप मेरा इसी नंबर में है। आप मुझे कर दीजिए दीदी, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि मेरे नंबर में ना मोबाइल में क्या होता है कि 90,000 से ऊपर नंबर है, तो मैं अगर सर्च करूंगा ना तो मेरे मोबाइल को नानी याद आती है। अच्छा, चलिए 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 चलिए, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रणाम।